कौन है ये कश्मीरी पंडित लोग? क्यों इन लोगों को कश्मीर को छोड़ के भागना पड़ा? क्यों इन लोगों को अपना घर, अपना परिवार, अपने फ्रेंड्स सबको छोड़ के भागना पड़ा? क्या है हिस्ट्री कश्मीरी पंडितों की? क्या है कंट्रीब्यूशन कश्मीरी पंडितों का? और कैसे अब रह रहे हैं? और क्या हुआ था इन लोगों के साथ? पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। पहली बार जाग्ञियाते अर्थी भाग्या में एक लाइव इंटरव्यू मैंने लिया है फ़ोन पे, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आपका दिल भी पिघल जाएगा ये स्टोरी सुन के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। अमेरिका की पावन धरती पे से मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को खूब 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 थैंक यू मेरे सारे वीडियोस को इतना सारा प्यार करने के लिए और ढेर सारी कमेंट्स और लाइक्स करने के लिए। आज का वीडियो है कश्मीरी पंडित पे। मैंने इंटरव्यू लिया कश्मीरी पंडित का और इनका नाम है मिस्टर संजीव मुंशी, जिन्हें हम प्यार से पंडित जी भी बोलते हैं और उनको सर जी भी बोलते हैं कई लोग। तो ये काफ़ी साल कश्मीर में रहे, उसके बाद वो फैमिली के साथ माइग्रेट होके पंजाब चले गए और अभी वो गुजरात में वडोदरा सिटी में रह रहे हैं। तो इन इनसे मैं मिला, इनसे बात हुई और इनके साथ मेरा 1-to-1 फ़ोन पे जो टॉक हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैंने कुछ सवालात उनसे पूछे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में बहुत ही नाइसली पूरा समझाया कश्मीरी पंडितों के बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ कश्मीरी पंडित क्या है वो शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तो जिससे आप लोग सब जान सकते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या है कश्मीरी पंडित लोगों की। तो ये वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने जो फ़ोन पे बात की थी उनसे उसमें मेरा पोर्शन मैं थोड़ा कट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे। तो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगाऊंगा, तो मेरा पोर्शन मैं कट करके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा और मुंशी जी बात करना चालू करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चालू करते आज के वीडियो को। अमित जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सो लेट मी टेल यू दैट कश्मीरी पंडित आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक यू एंड मी। ओनली थिंग इज कि हम लोग का जो ओरिजिन जो है वो कश्मीर से है। कश्मीर नाम इसलिए पढ़ा कि कश्यप ऋषि हुआ करते थे, जिनके हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, जॉल वाटर, उसको सती सर कहते थे। उसको वहाँ से कश्यप ऋषि ने इसको ड्रेन करवाया एंड लैंड निकल आया। तो 132 किलोमीटर की एक वैली है ये, तो हम लोग का ओरिजिन वहाँ से ही है। एंड फॉर लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो वैसे है, लेकिन यू विल बी हैप्पी टू नो वी हैव रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ओवर 5000 ईयर्स जो हम लोग वहाँ रहते आए हैं। जैसे आपने सुना होगा, अलग अलग भारत में ये संवत चलते हैं, विक्रमी संवत चलता है, शक संवत जो भारत सरकार मानती है। कश्मीर का अपना एक अलग से संवत है, इसको सप्तऋषि संवत कहते हैं। आई जस्ट लाइक टू शो यू समथिंग। वी हैव दिस बुक जिसे हम पंचांग कहते हैं और यहाँ 5000 साल पुराना, 5096, दिस इज द ईयर 5096। और यहाँ जो इसका एक लिपि है जिसमें ये लिखा है, दिस इज कॉल्ड शारदा लिपि, क्योंकि कश्मीर जो था वो शारदा के साथ जुड़ा हुआ था। शारदा वॉज अ यूनिवर्सिटी करीब 130 किलोमीटर दूर श्रीनगर से, और अबाउट 10 सेंचुरीज इट वॉज वेरी पॉपुलर। इट वॉज समथिंग जो कि लोग बाग वहाँ आके पढ़ा करते थे। इवन इट इज सेड कि आदिशंकर, स्वामी शंकराचार्य, वो 9th सेंचुरी में वहाँ आए। उन्होंने वहाँ पे अपना डिस्कोर्स किया, ही हैड डिस्कशंस विद पीपल एंड ही वॉज देन एबल टू। और उन्होंने एक वहाँ पे एक बहुत बड़ी बुक लिखी है जिसका नाम सौंदर्य लहरी है, जो कि श्रीनगर का, अगर आपने देखा, एक आइकॉनिक पिक्चर होती है शंकराचार्य टेम्पल की, तो वो शंकराचार्य टेम्पल उनके नाम से ही है। वो हिल, शंकराचार्य हिल कहते हैं, वो उनके नाम से है। सो दैट इज द ओरिजिन। वी हैव बीन हिंदूज फॉर द लास्ट 5000 ऑड ईयर्स। और ओरिजिन जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर से है, तो
और पंडित, नाउ द क्वेश्चन इज पंडित, पंडित क्यों कहते थे? पंडित इसलिए कहते थे कि हम सब पढ़े लिखे, नॉट द पूजा पाठी पंडित बट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पंडित, पढ़े लिखे लोग थे तो इसलिए इनको पंडित कहते थे. सो दैट वॉज द रीजन वाई वी हैव बीन कॉल्ड कश्मीरी पंडित. सो वी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर वैली और विद अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ जो लगभग 5096 साल का हमारा ये हिस्ट्री है. रिगार्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कम्युनिटी, ये आप कह सकते हैं कि हमारा जो जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फिलोसफी, लिटरेचर, रिलीजन, ऑल रिलीजियस काइंड ऑफ एक्टिविटी. कश्मीर जो है वो, जैसे मैंने कहा कि हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है. आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जो तिब्बत और चाइना, यहाँ पे जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है, दैट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय अ किंग कॉल्ड कनिष्क. और कनिष्क ने फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म कश्मीर में की थी, और वहाँ से उन्होंने स्प्रेड करवाया. वहाँ से ही सेंट एमिसरीज टू चाइना, टू तिब्बत. इनफैक्ट तिब्बत की जो लिपि है वो कश्मीर में शारदा यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई है. सो वी हैड पीपल फ्रॉम यू नो ऑल काइंड ऑफ ऑल रिलीजन्स जो कि वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन करते थे. सो हमारा जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो साहित्य में है, फिलोसफी में है, रिलीजन, रिलीजियस एक्टिविटीज में है. तो ये ओरिजिनल है जो कश्मीर की एक हिस्ट्री है, पहली बार एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. उसका नाम राज तरंगिनी है, विच वॉज रिटन बाय पंडित कल्हन. उसके बाद एक जोन राजा नाम का एक और हिस्टोरियन आया, जिन्होंने, नॉर्मली इंडिया में हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी, वो श्रुति और स्मृति होती थी, बट दिस इज फाइन, आई मीन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. तो अभी आप रीसेंट पास की तरफ बात करूं, मैं पिछले 100-150 साल की बात करूं, तो सी देयर हैव बीन पीपल लाइक से जवाहरलाल नेहरू, ही हिज फैमिली वॉज फ्रॉम कश्मीर, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, यू नो देयर हैव बीन पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू इंडियाज, शुड आई से, फ्रीडम स्ट्रगल में भी काम किया उन लोगों ने, लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस में इन लोगों ने काम किया. देन दे हैव बीन ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी अच्छे अच्छे पोजिशंस पे, इंदिरा गांधी के समय में पी एन हक्सर, पी एन धर, टी एन कॉल, डी पी धर, ये लोग थे. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो देने वाले मोहम्मद इकबाल, हिज ग्रैंड फादर वॉज ए कश्मीरी हू क्या कहते हैं उसको, कन्वर्टेड. सो इसी तरह से शेख अब्दुल्ला, हिज ग्रैंड फादर कन्वर्टेड. तो ये लोग जो है ना इंटेलेक्चुअल लोग थे, इन लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया. हाँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े जो विक्टर किंग्स थे ना, जो जिन्होंने समुद्रगुप्त और इसकी तरह चढ़ाइयाँ की, वो सब नहीं था. जो भी यहाँ से हुआ वो पीसफुली हुआ. जैसे मैंने बताया, बुद्धिज़्म का स्प्रेड जो था चाइना में, तिब्बत में, ये सब, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सो दैट हैज़ बीन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कश्मीर एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड. तो ये एक दूसरा आपका जो क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन अमित, व्हाई माइग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, माइग्रेशन जो है वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से हुई. अभी जो हाल में हुआ, दैट हैपेंड अबाउट 30 ईयर्स बैक, 1990, 19 एंड 20 जनवरी, 19-20 जनवरी को 2 दिन, तो 2 रातें तो हमारे लिए बहुत मुसीबत रही. एंड देवर लाउड स्पीकर्स शाउटिंग इन द डेड ऑफ द नाइट कि कश्मीरी पंडितों, या तो हमारे साथ मिल जाओ या भाग जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ. द सेंटेंस वॉज रिलीव, चलियो या गलियो. रिलीव मतलब मिल जाओ, चलियो मतलब भाग जाओ, और गलियो मीन्स बी प्रिपेयर फॉर डेथ. तो ये हो गया. और फिर मतलब दूसरा स्लोगन था कि अपनी लड़कियां, अपनी बीवियां, अपनी बहनें छोड़ के चले जाओ. सो दिस हैपेंड इन 1990. एंड इंसिडेंटली ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे साथ पहले भी हुआ. आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 1389 के आसपास, आज से 700-750 साल पहले, कश्मीर में एक राजा हुआ, सिकंदर शाहमीरी. उसको हम लोग सिकंदर बुतशिकन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने उसने लगभग रिलीजियस हमारी बुक्स जो थी
बिकॉज वी आर ऑल पंडित, बुक्स ही थी हमारे पास ज्यादा, तो वो जला दी। इतना बड़ा जख्म है, आप कभी कश्मीर जाएं तो आप मारतंड के अवशेष देखें, और भी है ऐसे ही नारा नाग नाम की एक जगह है, वहां पे आप अवशेष देखें तो आपको टोना आएगा कि ये क्यों ऐसा इतना रिलीजियस। एंड दिस इज ऑल बिकॉज वी वर अ रिलीजियस मिनोरिटी। राजा उसमें था, ही हिज फोर फादर्स हैड कन्वर्टेड, तो उससे हम एक छोटी सी माइनॉरिटी थी, वी वर नॉट इवन 2% 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो भागे वहां से। तो देर वॉज, आपको समथिंग बिटवीन 3 to 5 lakh पीपल जस्ट रैन अवे, जम्मू चले गए, दिल्ली चले गए, फिर उसको आगे जिसको जहां तकदीर ले गई वो वहां चले गए, रोजी रोटी जिसको लेके गई तो वो ऐसा हुआ। तो माइग्रेशन जो है वो आज से नहीं हो रहा, माइग्रेशन पहले भी हुआ, क्योंकि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हमेशा होती रही है। और ये जो हमारे नेहरू जी की फैमिली थी या और भी थे, ये लोग आज से 300-350 साल पहले निकले थे। तो लोग तो जहाँ जहाँ जो प्रोसिक्यूशन फील कर रहे, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वो भाग गए, तो धीरे धीरे। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कश्मीर में, कश्मीरी पंडित जो हैं वो शायद गिनती के रह गए, यू कैन काउंट देम इन मे बी हंड्रेड्स, तो जो कि मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो उनको तो मजबूरी में या तो उनको सिक्योर जगहों पर रहना पड़ता है, अदरवाइज मुश्किल है। वेरी गुड क्वेश्चन कि आज की हालत क्या है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हम लोग 4-5-6 लाख लोग रहे हैं अभी, स्कैटर्ड ऑल ओवर, यू नो। हमें 1990 में एक ऑफिशियल समझ लीजिए रिकग्निशन मिला कि भाई ये लोग माइग्रेंट्स हैं, तो वी आर रेफ्यूजीज इन अवर ओन लैंड। और जो अलग 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 स्टेट्स में मेजर कंसंट्रेशंस दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हरियाणा में हैं, महाराष्ट्र में हैं, पुणे में हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट यू नो। फिर जिसको जहाँ रोजी रोटी लेके गई वो वहाँ पे चले गए। और आई केम टू फर्स्ट टू पंजाब एंड फ्रॉम पंजाब आई केम टू वडोदरा, तो ये मेरी हिस्ट्री। और हमारे सभी रिलेटिव्स जो हैं, कोई कहाँ चला गया, कोई उत्तराखंड चला गया, जिसको जहाँ रोजी रोटी ले गई। सी वी, दिस इज़ वन कम्युनिटी विच डिड नॉट आस्क फॉर, जो कोई शाहीन बाग की तरह धरना नहीं दिया हमने, हम लोगों ने कोई स्पेशल राइट्स नहीं मांगे, तो जो था अपने दम पे। थोड़ा हेल्प हमारे को इन्होंने, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने बहुत बड़ी हेल्प की, उन्होंने हमें एडमिशन्स में हेल्प की। तो हमारे घरों में, हम इवन टेंट्स में लोग रहते थे, आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, 20 साल तक लोग टेंटों में रहे, उसके बाद जाके थोड़ा वन रूम हटमेंट्स बने हैं, तो लोग अभी भी वो हटमेंट्स में रह रहे हैं। लेकिन वी डिडंट आस्क फॉर चैरिटी, वी डिडंट आस्क, वी डिडंट बेग फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, हम लोग ऑफिशियली वी आर माइग्रेंट्स, अभी एक जो रे ऑफ होप हुई है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि दिस इज़ वन कम्युनिटी जिसने कभी बंदूक नहीं उठाई। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन हमने बंदूक नहीं उठाई, वी कंटिन्यू टू लिव पीसफुली, कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, उसमें वही एक हमारा वो रहा। तो अभी एक होप हुई है, ये जो कश्मीर में ये आर्टिकल 370 के बाद अभी नए डोमिसाइल रूल्स हुए हैं, तो इससे ये होप हुई है कि शायद मेरे बच्चे को कल को वहाँ वो जाना चाहे तो जा सकता है। अभी आज की स्थिति ये है कि हम जाना भी चाहें तो एज टूरिस्ट जा सकते हैं, आई डोंट थिंक एनीबडी विल गो टू लिव देयर। और मैं तो समझ लीजिए अभी यहाँ पे सेटल हो गया हूँ, तो मैं बार बार तो नहीं हो सकता ना मेरे लिए कि मैं पहले, अभी गुजरात में सेटल हो गया हूँ, घर बना लिया, यहाँ से उठ के कहाँ चला जाऊँगा। लोगों ने बिजनेसेस सेट किए हैं, जॉब्स हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कल को मेरा बेटा है, आई हैव ए हाउस इन जम्मू, मेरे फादर ने बिल्ड किया था, तो वो क्लेम कर सकता है उस चीज़ को, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ये है कि दैट लॉस ऑफ हैबिटेट, वो जो हमारा मातृ जो देश था, जो हमारा वतन था, मूल वतन था, उससे हम लोग अलग हो गए, उससे वहाँ पे रूटलेस हो गए, वो एक हमारी आज की स्थिति है। लेकिन वी आर स्टिल प्राउड कि हमारी लेडीज़ ने टेंट्स में बैठ के बच्चों को पढ़ाया, कैंडल लाइट के नीचे लोगों को पढ़ाया कि बेटा अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सको। तो आज पिछले 30 साल से वही हो रहा है, अदरवाइज कोई ऐसा को बहुत बड़ा कुछ सपोर्ट नहीं मिला, बट जो भी मिला थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन एक दुख है कि हमारे अपने देश ने हमें भुला दिया।
पीपल ऑफ द कंट्री दे नॉट इवन अवेयर. सो अभी आप किसके सामने रोना रोएंगे? दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों मैं वापस आ गया. आई होप के कश्मीरी पंडित की ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी. तो मेरा आज का क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिखने के लिए आप लोगों के लिए ये है, क्या आप लोग जानते थे चाचा नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे? अगर जानते थे तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नहीं जानते थे तो कमेंट में लिखिए नो. और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से एक बार दबा दीजिएगा, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, आप लोगों के सामने कुछ नया लाने की. और अगर आप नए हो तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है नीचे उसको दबा दीजिए, उसके बाजू में बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस करेंगे तो मेरे अगले जो भी वीडियो आएंगे आपको देखने को मिलेंगे. और ये वीडियो अगर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप शेयर का ऊपर सिग्नल है वो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. और नीचे कमेंट में भी आप कमेंट करते रहना. तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए, मैं अभी 2-3 टॉपिक पे काम कर रहा हूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहना. जाग्या त्यार्थी भाग्या. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय एंड नमस्ते एंड सल्यूट फ्रॉम अमित. जाग्या त्यार्थी भाग्या. टेक केयर.